हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मंडल। ब्लेंडर के काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। जस्ट आप एफएक्स मंडल को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन था कि ब्लेंडर को विंडोज 7 के लिए कैसे डाउनलोड किया जाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंडोज का अपडेट हुआ है, विंडोज 11 आने वाली है, विंडोज 10 को भी ज्यादा सपोर्ट कर रही है माइक्रोसॉफ्ट, तो उन्होंने पिछले जो विंडोज हैं उनका सपोर्ट थोड़ा कम कर दिया है। तो बहुत ही कम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि विंडोज 7 के लिए अभी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को विंडोज 7 के लिए ब्लेंडर चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कोई ओल्ड वर्जन यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो विंडोज 7 के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाओगे तो आपको इस तरह से कोई लिस्ट आएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट, ब्लेंडर, अनरियल इंजन और यूनिटी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्लेंडर बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, कंपोजिटिंग, 3D एनिमेशन और कई सारी चीजें हम लोग उसमें कर सकते हैं, लेकिन अनरियल इंजन और यूनिटी ये दोनों गेम इंजन है। अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, गेम इंजन के बारे में हमने बात की थी। तो गेम इंजन और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। गेम इंजन के अंदर आप लोग गेम के एसेट्स बनाते हो, गेम के एसेट्स को आप लोग उसमें डाल सकते हो, ब्लेंडर से आपको बनाने पड़ेंगे, 3D मॉडलिंग आपको 3D सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेगी और अनरियल इंजन के अंदर उसे आप गेम डिजाइन कर सकते हो, गेम कोड कर सकते हो और उसे वहां पे प्ले कर सकते हो, जो कि ब्लेंडर के अंदर आप लोग नहीं कर सकते, वो कंट्रोलर्स उसमें नहीं होते। इसके लिए अनरियल इंजन और यूनिटी ये गेम इंजन्स हैं और इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस को देखना है तो आप लोग इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी गेम इंजन्स के बारे में और गेम इंडस्ट्री के बारे में। अपना एक मेंटर होना चाहिए, हाँ आपकी बात सही है, अपना एक मेंटर होना चाहिए। कई सारी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग सीख सकते हो, लेकिन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आपको हैंडल करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को उसे वैसे ही करना है, पूरा दिन लगा के आपको उसे सर्च करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है, गूगल पे बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है और किससे पूछना है। कई सारे फॉरम्स हैं, कई सारे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर आप लोगों को सॉल्यूशन दिए गए होते हैं, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है। जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो आप लोग डायरेक्टली या तो मुझसे पूछ सकते हो या तो कई सारे फॉरम्स बने होते हैं जिसके अंदर आप लोग ये चीज़ें पूछ सकते हो। कई सारे फेसबुक के अंदर भी कई सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और किसी भी भाषा में पूछ सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो। ग्रुप के अंदर, हर एक फॉरम के अंदर आपकी भाषा बोलने वाला कोई ना कोई ज़रूर होगा और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, या तो आपको लिंक देगा उसका सॉल्यूशन के लिए, या तो आपको यूट्यूब वीडियो दे देगा, या तो आपको कुछ भी वो दे सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है। शायद से मुझे लगता है कि ये इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि जो कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्प्लिट किया था अपने विंडोज को, उसे एक विंडो के अंदर कैसे लेके जाना है। तो जैसे कि आप इस लाइन पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ज्वाइन एरियाज आता है। जब आप इस पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे देखो ज्वाइन आप लोगों को किस तरफ को करना है, आप इसे जस्ट ज्वाइन कर दो तो वो वहाँ से हट जाता है, यहाँ पे फिर से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब एक और देखने वाली बात ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक वर्टिकल स्प्लिट डाला है और एक हॉरिजॉन्टल स्प्लिट डाला है तो पहले कौन सा वाला होगा। यहाँ पे तो क्लिक कर रहा हूँ ज्वाइन एरियाज आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज्वाइन एरियाज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पूरा का पूरा मेरा जो एरिया है वो इसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो स्प्लिट है। तो मतलब आपको इसे पहले यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपके पास यहाँ पे राइट क्लिक करके ज्वाइन एरियाज आएगा। आपको इस लाइन पे राइट क्लिक करना है और इसे ज्वाइन एरियाज कर लेना है, तो ये आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और आप लोग फिर से उसी जगह पे डिफॉल्ट पोजीशन पे पहुंच जाओगे। बेस्ट यूनिवर्सिटी आफ्टर 12th फॉर VFX एंड एनिमेशन, ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको सिर्फ टूल सिखाएंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और खुद से सीखना है। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ आपको ज़्यादा दे सकती हैं, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और कई सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग जब भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कुछ सर्च करो अपने एरिया के अंदर, या तो आप कहीं और बाहर जाना चाहते हो, आप जस्ट सर्च करो और उनके कॉन्टैक्ट्स में जाओ, उनके शो रील्स देखो, उनके स्टूडेंट वर्क्स देखो, आपको हर एक चीज़ उनकी वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। आप उनका स्टूडेंट वर्क देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो लोग वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं।
वैसे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपना बेस्ट वर्क ही डालती है अपनी वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी आप लोग उन्हें देखो, उन्हें कॉल करो, उनसे बात करो, और डेमो क्लासेस अगर ले सकते हो तो वो भी आप ले सकते हो। वहां पे जाके आपको डेमो क्लास बिल्कुल फ्री में दी जा सकती है। तो ये चीज आप लोगों को सर्च करनी है यूनिवर्सिटीज को, किसी भी यूनिवर्सिटीज में एंटर होने से पहले। जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट है या कैसी है, आप लोगों को सिर्फ टूल सिखाए जाते हैं, बेस्ट आपको खुद से बनना है प्रैक्टिस करके। एक कमेंट आया था कि ब्लेंडर सिखा तो रहे हैं लेकिन वीडियो ब्लरी दिख रहा है। देखो, वीडियोस जो हैं वो फुल एचडी 1080p पे आप लोग देख सकते हो, और ये फुल एचडी वीडियोस आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इसको अगर आप लोगों का कुछ इंटरनेट इशू है या कोई आपकी क्वालिटी कम कर रखी है, आपने अपने मोबाइल पे देख रहे हो या किसी भी लैपटॉप पे या लैपटॉप पे आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आप इसकी क्वालिटी हाई कर दो तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपका थोड़ा ब्लरी आ रहा होगा बिकॉज आपकी क्वालिटी अगर लो है या तो इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा लो चल रहा है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। इफ द कैमरा पोजीशन इज लॉस्ट, अब देखो ब्लेंडर के अंदर जो ये कैमरा होता है, अगर इसकी पोजीशन को यहाँ वहाँ आप ले जाओ तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने कुछ और चीजें कर दी हैं, उसके बाद आप उसे कंट्रोल जी कर रहे हो, अंडू कर रहे हो वापस कैमरा पोजीशन पे जाने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं जस्ट अपने इस कैमरा को यूज़ करता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, एज अ कैमरा एक्टिव कैमरा यूज़ कर सकता हूँ, या तो यहाँ से भी राइटली क्लिक करके कैमरा में जा सकता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक पर्सपेक्टिव व्यू में चला जाता है, मैं कैमरा से व्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ। पहले तो हम लोग देखते हैं कि कैमरा को यूज़ कैसे करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर मैं और यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट और ग्राफ बटन दबाता हूँ, जो कि टैब के ऊपर वाला ये बटन होता है, तो मैं अभी अपना कैमरा मूव कर सकता हूँ। और जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, लाइक ये मेरा एंगल है, यहाँ से मैं रेंडर करना चाहता हूँ, तो अभी ये मेरा कैमरा यहीं पे रहेगा। कुछ क्लिक करके बाहर निकल जाता हूँ तो कैमरा मेरा यहाँ पे सेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लोकेशंस चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर इसका रोटेशन से कैमरा लॉस्ट हो गया है, आपने इसे कहीं और रख लिया है, आप चाहते हैं कि ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाए जहाँ पे ये पहले था, तो वो कैसे किया जाता है? तो या तो आप इस कैमरा की पोजीशन को यहाँ पे लॉक कर दो ताकि ये कहीं पे मूव ना हो, ये रोटेट ना हो और स्केल भी ना हो। तो अभी ये कैमरा यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है, ना इसमें मैं रोटेशन कर सकता हूँ, ना स्केल कर सकता हूँ, और ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ यहाँ से इन किसी आइकन से। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया है और अगर आप कैमरा मूव भी करना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे फिर से लेके आना चाहूँ, तो वो कैसे हो सकता है? अब देखो यहाँ पे लोकेशन तो मैं यहाँ पे 0 0 अगर होती तो ये इजी हो जाता, जब यहाँ पे होता है डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है 0 0 पे, तो यही मेरा से कैमरा एंगल होना चाहिए। अगर मैं इसे चेंज भी करूँ तो भी ये मैं रीसेट कर पाऊँ। अब देखो यहाँ पे इस तरह से अगर आप ये देख रहे हो तो उसके लिए आपको शिफ्ट और राइट लेफ्ट का यूज़ करना है अपने कीबोर्ड पे। नम पैड के ऊपर जो आपके राइट और लेफ्ट होते हैं उसका यूज़ करोगे तो आप ये कैमरा भी सही कर पाओगे, पर्सपेक्टिव व्यू सही कर पाओगे। अभी मैं बात करने वाला हूँ इस कैमरा को इसकी पोजीशन यहाँ पे ज़ीरो करने की। तो इसे ज़ीरो करने के लिए हमें जाना है जस्ट ऑब्जेक्ट में, जाओ अप्लाई में, और यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको करना है ऑल ट्रांसफॉर्म्स टू डेल्टास। तो जब मैं इसको डेल्टास में चेंज कर देता हूँ तो ये देखो सारी लोकेशन मेरी यहाँ चली जाती है और मेरा ये लोकेशन 0 0 हो जाता है। तो अब अगर मेरा कैमरा कहीं पे भी मैं लेके जाऊँ, इसे मैं रोटेट कर दूँ किसी भी तरफ को, या मैं इसे स्केल कर दूँ, तो देखो यहाँ पे ये चेंजेस होते हैं। और अब अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे और रिसेट ऑल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कर दोगे हर जगह, तो ये ऑटोमेटिक आपकी उसी पोजिशन पर आ जाएगा जहाँ से आपने इसे स्टार्ट किया था। तो देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे आपने इसे छोड़ा था। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है और ये इजी हो जाएगा आपका काम। अब अगर इस तरह से रोटेट हो जाता है तो ये मैंने आपको बता दी कि क्या करना है, शिफ्ट और नम पैड पे राइट और लेफ्ट एरोज पे क्लिक करना है नम पैड पे। डायरेक्ट एरोज से आप क्लिक करके कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन नम पैड पे अगर आप करते हो तो ये काम शिफ्ट के साथ इजी हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो इस जगह पे, ये ऑटोमेटिक ये काम कर देगा, ये वाला गिज़्मो जो है वो ऑटोमेटिक आपके व्यू को सीधा कर देगा। मिरर में मैच बनाने से कुछ नहीं हो रहा, अब मिरर काम कैसे करता है पहले वो देखो। ये जो आपका यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है, मैं इसे वायरफ्रेम मोड में ले जाता हूँ, तो ये मेरा जस्ट एक बॉक्स है जिसके मिडल में मेरा ये गिज़्मो आपको दिख रहा है। और व्यू में चला जाता हूँ, इस वजह से अगर मैं इसके अंदर अभी यहाँ पे एक मॉडिफायर लगा दूँ मिरर का, तो वो काम क्यों नहीं करता? बिकॉज ये जो मेरा गिज़्मो है ये यहाँ पे सेट है, इसको अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूँ तो मेरा मिरर काम करना शुरू ऑटोमेटिक कर देगा। तो मैं यहाँ पे मिरर हटा देता हूँ एक बार,
और आपको दिखाने के लिए, अब ये मेरा 3D कर्सर है जिसके हिसाब से मैं इसे सेट कर सकता हूँ, इसे मैं कहीं भी रख सकता हूँ और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस गिज़मो को इसके ऊपर लेके आना है। तो जाओ ऑब्जेक्ट में सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन यहाँ पे सेट हो गया, मतलब कि ये यहाँ से अभी रोटेट होगा इस पॉइंट से। तो यही मतलब है, मैं अभी इसे सिलेक्ट करता हूँ और अगर अब मैं इस पे मिरर लगा दूँ तो ये ऑटोमेटिक मिरर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मिरर काम करता है इस ओरिजिन पे। अगर ये मिडल में होगा तो आपका मिरर नहीं होगा, लेकिन अगर ये साइड में होगा तो आपका मिरर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसे बताने के लिए मैं अगर इस क्रजर को यहाँ ले जाऊँ, इतना दूर ले जाऊँ, और अब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दूँ, तो ये देखो और दूर ये जो हो गया, इसका मतलब है कि इस तरफ भी सेम स्पेस इसने लिया है। अगर ये यहाँ पे 10 पिक्सल है और यहाँ पे भी ये 10 पिक्सल ही होगा, और यहाँ पे अगर मैंने बहुत सारा मर्ज बढ़ा दिया लेकिन ये नहीं हो पा रहा बिकॉज ये बहुत दूर है। लेकिन अगर मैं इसे मॉडलिंग में लेके जाऊँ और इन्हें थोड़ा सा पास पास लेके जाऊँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये मर्ज होना शुरू हो गए। तो ये मर्ज आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, इस तरह से ये काम करता है। ये चीज़ आपको देखनी है, ओरिजिन इसका अलग से रखना है, दूर रखना है, ताकि ये आपका काम इजी कर दे। ब्लेंडर यूज़ करते समय लैपटॉप चार्जिंग पे होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लैपटॉप चार्जिंग पे हो, तो आपको लैपटॉप के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको उसे बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर देना है जबकि वो अनप्लग्ड है, बैटरी पावर पे यूज़ हो रहा है। उससे क्या होता है कि लैपटॉप अपनी चार्जिंग को बचाने के लिए कुछ सारी ऐप्स को स्लो कर देता है, कुछ मीडियम यूसेज कम कर देता है आपके CPU और GPU की, ताकि आपका यूसेज ज़्यादा ना हो और बैटरी ज़्यादा समय तक चले। तो बैटरी सेवर के अंदर आप लोगों को उसे ऑफ करना है और इसे बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर देना है। सेंड सम स्क्रीनशॉट्स, क्या मुझे इसे रिप्लाई करने की ज़रूरत है? तो जो जो आप लोग सीख रहे हो, आप लोग ही खुद जाके इस वीडियो के अंदर ये वाला कमेंट है इसके द्वारा आप लोग खुद ही रिप्लाई कर दो कि जो जो चाहते थे उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और मुझे इसके रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं। तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ, तो फिर से हम लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसे वीडियो को छोड़ा था और कहा था कि इंटीरियर बनाना है, तो इंटीरियर बनाने के लिए आप लोग अभी ट्राई करो, जो कि हमारा सेकंड एपिसोड था उसके अंदर हम लोगों ने एक चेयर को बनाया था। सेम तरीके से आप लोग चेयर बनाने की शुरुआत करो, सेम तरीके से आप लोग चेयर बना सकते हो, उसके अंदर की कुछ भी चीज़ें आप लोगों को ईजिली आप लोग इसमें बना सकते हो। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मैं डायरेक्टली आपका रिप्लाई वहाँ पे कर देता हूँ। कई सारे लोगों की रिप्लाई कर चुका हूँ, और वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आप नए हो। तो ऐसी ही बातें हम लोग करते रहेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं देता रहता हूँ और कई सारे ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।